आलोक जी, किस तरह की तस्वीरें इसके पहले देखने को मिली हैं राजधानी दिल्ली में, दिल्ली जिस पर दुनिया भर की निगाह होती है, यहां पर छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब माननीयों की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, जूतन पैजार की तस्वीरें सामने आएंगी, एक दूसरे पर कैसे पिल पड़े ये जो माननीय है पार्षद, ये तस्वीरें आप देखिए। धक्का मुक्की करने में ऐसा लग रहा था कॉम्पिटिशन चल रहा है और यहाँ पर अवार्ड लेने की होड़ मची हो कि कौन किसको ज्यादा धक्का दे देता है। आलोक जी, इस पर टिप्पणी इन तस्वीरों पर। केवल दिल्ली नहीं, पूरा देश और भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार है। और ये आज जो कहावत है ना कि दिल्ली की भैंस तो गई पानी, पिछले 15 वर्षों से बीजेपी ने एमसीडी में जम के लूट मचाई और आज ऑपरेशन कमल का ही एक रूप मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। आज मैं कहूंगा चित्रा जी, आज दिल्ली पेरिस बन गई है। केजरीवाल जी ने आज दिखाए हैं कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं। 1 घंटा आज तक पे बैठ के वो उसको आरोपित करेगा, वो उसको आरोपित करेगा और दिल्ली पेरिस बन जाएगी। आज एल्डरमैन पहले भी बने, पहले भी सरकारें रही, पहले भी नॉमिनेशन हुए, लेकिन जिस तरह की बंदर बांट और जिस तरह से आज करोड़ों रुपए के बजट को हड़पने की लड़ाई दिल्ली में नजर आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। हाँ। ये लड़ाई केवल और केवल बजट की है। कांग्रेस पार्टी पहले क्यों नहीं फिर बीजेपी वोटिंग ने में हिस्सा लूटा ले है, रही है? अब केजरीवाल प्यार बैठा हुआ है। हाँ, जब इतना खराब माहौल है वहां पर और दिल्ली की जनता का पैसा लूटने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, तो अपने आप को क्यों साइड में कर लेती है कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं वोटिंग में हिस्सा लेती है? आम आदमी देखिए, पार्टी का हमारी आरोप है कि आप वोटिंग, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं मैं बताता हूँ चित्रा और जी, डील हुई है हमारी दोनों के बीच वोटिंग में। का आज हमें पता था कि इन लोगों की क्या क्या प्लानिंग है और क्या करके जाए गए। अभी इनके सांसद कह रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर ब्लेड लेके गए, तो दिल्ली पुलिस क्या वहां पर पकौड़े चल रहे, स्कैनिंग क्यों नहीं की गई? जब पता था हंगामा होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां पर किसकी जिम्मेवारी? लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। बीजेपी चालाकी से गेम करना चाहती थी कि किसी तरह से 10 लोगों की वोट हो जाए और उसके बाद क्या हो, फिर न्यायालय में लड़ते रहिए। और आजकल तो न्यायालय के फैसले भी ऐसे ही होते हैं कि जो लगता है बीजेपी अपने घर से बना के भेजती है, फिर 5 साल तक लटकाए रखिए, एक बार मेयर अरे बन आप जाएगा लोग वोटिंग बीजेपी से का, क्यों फिर गायब ड्रॉप रहना चाहते वोटिंग हैं कर आलोक लीजिए शर्मा आप। जी? कांग्रेस पार्टी की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अगर पार्षद चुनकर आए हैं आपके भी तो वोटिंग होगी, नदारद रहेंगे हर महत्वपूर्ण मामले में, नदारद रहेंगे, फिर ऐसे चुने हुए पार्षदों का क्या काम बताइए आप? देखिए, मुझे लगता है अगर 9 पार्षद वहां पर रहते भी चित्रा जी, तो उनके वोट डालने या ना डालने से भी किसी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं होना। और अरे हमें पता दस था कि आज पार्षदों को वोटिंग नहीं लेकर होगी ही, वहां पर चित्रा मनोनीत पार्षदों जी, को आज लेकर हमें इतना पता था बवाल कि मचा वहां पर हुआ वोटिंग है, नहीं आप होगी, कह रहे हैं कांग्रेस के हंगामा नौ होगा पार्षदों एक और पार्षद कोई हंगामे मायने में नहीं कहीं ना रखते। कहीं हाँ हमें भी आरोपित किया जाएगा। आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2002 से 7 तक कांग्रेस की कॉरपोरेशन थी, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी के समय पे, मदनलाल खुराना जी के समय पे कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रही और चाहे राज्य में किसी की भी सरकार रही, जब से पार्टी केजरीवाल और बीजेपी आए हैं, सत्ता की भूख इन दोनों की इतनी है कि लड़ मर रहे हैं दोनों, ठीक दिल्ली है जाए भाड़ में। सौरभ भारद्वाज जी, बीच में आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, आपने आलोक शर्मा जी को सुना, जल्दी से जवाब दे दीजिए। और प्रवेश जी वर्मा का कहना है कि 10 मनोनीत जी पार्षद देखिए अगर ले चित्रा ही जी, लेते पहले शपथ तो इससे क्या हो जाता, उसके बाद 10-10 करके बाकी 250 ले लेते, ये परंपरा चली आ रही है, कोई नियम तो नहीं है ना लिखित में इसको लेकर? चित्रा जी 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 मैं चित्रा जी आपको 3-4 परंपराओं के बारे में बता देता हूं। पहली बात, जो आदमी प्रोटम मेयर बनेगा, मतलब टेम्परेरी मेयर बनेगा, जो मेयर का इलेक्शन कराएगा, वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो कि मुकेश गोयल होने चाहिए थे आम आदमी पार्टी से, इन्होंने वो रूल भी तोड़ा, जबरदस्ती अपनी मेयर बनाई, पहली बात। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा जी ने अब तक ये नहीं बताया कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि ये मनोनीत पार्षदों से आज वोट करवाना चाहते थे, और क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, इन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं अभी तक एलजी ने इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दी कि हम लोग बता रहे हैं कि एलजी साहब के यहां से सुबह आदेश आया कॉरपोरेशन में कि आज नॉमिनेटेड काउंसलर्स की वोट कराई जाएगी और बेईमानी से बीजेपी को जिताया जाएगा, अभी तक इन्होंने खंडन नहीं किया। सुबह से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया। तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आज भी इस बात के बारे में क्यों पर्दा डाला जा रहा है कि एलजी के यहां से ही आदेश आ जाए, एलजी साहब क्यों नहीं आदेश डाल देते कि भाई ये नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट नहीं डाल सकते, आपके पास तो बहुत पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ठीक है, वो ये बात बता देंगे कि प्रो टर्म मेयर और प्रो टर्म स्पीकर कौन बनता है।
नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट होते हैं या नहीं होते, देश के किसी राज्य में नहीं होते, किसी कॉर्पोरेशन में नहीं होते। ये सिर्फ बेईमानी करके करना चाहते हैं, तो हम क्या इनको बेईमानी करने दें? मतलब ये अपना बना ले और हम फिर कोर्ट के चक्कर काट करें 5 साल तक। सौरभ भारद्वाज जी का कहना है कि आप बेईमानी करना चाहते थे और बेईमानी से रोकने के लिए ही वहां पर इस तरह का माहौल हुआ। बेईमानी से जीतना चाहती है, मेयर बनवाना चाहती है क्या बीजेपी? देखिए, एक तो सौरभ जी को ये बात अब तो शोभा नहीं कि वो एलजी के बारे में, एलजी साहब के बारे में बार बार ये बेईमानी बेईमानी का शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे दिल्ली के संविधान के रक्षक हैं। उनको उपराष्ट्रपति जी ने अपनी पावर देकर उनको यहाँ पर दिल्ली में बिठाया है, तो वो संविधान के रक्षक हैं। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा डीएमसी एक्ट कहता है उसी के अनुसार कर रहे हैं। वो जो 10 हमारे नॉमिनेटेड पार्षद जो बनते हैं एमसीडी में, वो उपराज्यपाल जी को बनाने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने आज अपनी प्रेस रिलीज में भी बताया है। इसलिए उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उनको बनाया है। अगर वो वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये जो भी हमारा डीएमसी एक्ट अगर ये कहता होगा वो उसके अंतर्गत ये पकड़े गए, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये पकड़े गए आज केवल शपथ के बारे, ये बेईमानी है। ये आप ये बताओ सौरभ, ये अगर बेईमानी करनी होती तो 14 विधायकों में तुम्हारे 13 क्यों बनाते? 7 हमारे होते, 7 तुम्हारे होते। पकड़े गए ना, पकड़े गए। अगर 14 विधायक, अरे क्या पकड़े गए कर रहे हो? पहले बताओ क्या पकड़े गए? आप पकड़े गए, तुम पकड़े गए ना, बोलिए कि लोग चोरी कर रहे थे, तुमने पकड़े गए सबके सामने, जनता के सामने पकड़े गए। अरे आपकी चोरी पकड़ी गई भाई, आपकी बेईमानी पकड़ी गई। क्या पकड़े गए? आपकी बेईमानी पकड़ी गई, सबके सामने पकड़ी गई। बोलिए, अरे सौरभ बोलिए ना, बोलिए कि वो वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, कैसे डाल सकते हैं वो वोट, किस देश में डाले जाते हैं उनके वोट, किस राज्य में डाले जाते हैं मनोनीत पार्षदों के वोट, बताइए। डीएमसी एक्ट कौन से एक्ट के हिसाब से आते हैं? जो डीएमसी एक्ट कहेगा वही होगा, बताइए। तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा दिल्ली का कानून, तुम्हारे कहने से दिल्ली का कानून नहीं चलेगा, केजरीवाल के कहने से दिल्ली का कानून नहीं चलेगा। जो पकड़े गए ना, अरे अगर वो नहीं कहता होगा तो नहीं डालेंगे। पकड़े गए, अगर वो नहीं कहता होगा तो नहीं डालेंगे। क्या बताऊंगा मैं आपको, ये पकड़े गए, ये तो खुल्लम खुल्ला पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये पकड़ा गया। अरे अभी तक तो आपको सारे कानून पता थे, अभी तक तो सारे कानून पता थे, आप कानून नहीं पता आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता रहा हूँ, आर्टिकल 243 आर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता रहा हूँ आपको। पहले ये पढ़ लो, गूगल कर लो, ये बताओ, गूगल करके बताओ, 8 मनोनीत